हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और खुशखबरी लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। काफी लंबे समय से, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वैकेंसी लास्ट ईयर अक्टूबर में आनी थी, किसी रीजन से इसको डिले कर दिया गया था। तो बार बार क्वेरीज आ रही थी, तो चलिए खुशखबरी आउट हो चुकी है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर जो भी जॉब के नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग जॉब के रिगार्डिंग डिस्कशन शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया है कि दिल्ली पुलिस के अंदर MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल जो वेकेंट सीट की बात करें तो 888 सीट आपका देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका 900 के करीब सीट आने वाला है। अब बात करें कि इसमें वेरियस टाइप के पोस्ट रहेंगे, तो कितने टोटल पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 10 पोस्ट है, अलग अलग तरह के पोस्ट है। पहला आपका कुक के लिए रहेगा, दूसरा वाटर कैरियर, तीसरा सफाई कर्मचारी, फोर्थ आपका मोची यानी कॉबलर का होगा, फिर आपका धोबी का रहेगा, सिक्स्थ आपका टेलर का रहेगा, देन आपका दफ्तरी की पोस्ट है, उसके बाद कारपेंटर यानी बढ़ई, माली और आपका बारबर, ये नाई का पोस्ट रहेगा। टोटल 10 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी, ठीक है। इसको अप्लाई करते टाइम इतने सारे जो आपका सीट आया है, इसका फॉर्म फी क्या रहेगा चलिए मैं बता देती हूँ। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर SC ST कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल, कोई फी यहाँ पर उनसे नहीं लिया जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करें कि एज की लिमिट क्या रखी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे किस तिथि के अनुसार गणना की जाएगी। एज ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष मीन्स कि 18 to 27 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। OBC को प्रोवाइड किया जाता है 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट। आई होप एज का पार्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल है। देखिए, जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। डजंट मैटर कि 10th में आपका क्या परसेंटेज है, आपने मैट्रिक पास कर रखा है तो आप इलिजिबल हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका जो ये 888 सीट आया है, इसको कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए है आपका 407 सीट्स, OBC के लिए 274, EWS के लिए 88 सीट होगा, SC के लिए 58 और ST के लिए 61 यानी 61 सीट रहेगा। अब इन सीट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा, तो चयन प्रक्रिया भी बहुत आसान है। सिर्फ 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेज पर होता है ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसको पास करोगे आप तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। एज यू नो कि कुक की पोस्ट है, बारबर, कारपेंटर, तो क्या आपको अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, इसका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसमें पास करोगे, क्वालिफाई करोगे तो सिंपली आपका मेडिकल होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। फ्रेंड्स, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट, इसका फायदा उठाइए आप लोग। अगर कहीं पर कुछ डाउट लगे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप एकदम टिक करके आ सकते हैं, यहाँ पर कोई गलत करने का आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा। अब विषय वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका रीजनिंग से होगा 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स के होंगे 25 प्रश्न, GK एंड करेंट अफेयर से 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम, इसको जब आपने क्वालिफाई कर लिया तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट जो रहता है ना 20 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको पास करना ही होता है।
इसका जो ट्रेड टेस्ट का लोकेशन होता है दिल्ली होता है, और जो एग्जाम का सेंटर, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, एज यू ऑल नो कि ये जो वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी। तो एसएससी आपको अपने पसंद के नियर बाय 3 सिटी चॉइस करने का मौका देता है, तो वैसे ही आपके चॉइस अकॉर्डिंग आपके नियर बाय सिटी में ही एग्जाम सेंटर होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट देने आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका सिंपल सा मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर सेंड करने के बाद आप ज्वाइन करोगे, आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो दिल्ली में ही जॉब करना होगा। सैलरी क्या मिलेगी आइए मैं बता देती हूँ। शुरुआती दौर में सैलरी आपको 18,000 दी जाती है, एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 56,900, मतलब 60,000 के करीब सैलरी पहुंच जाती है। सो दिस इज द ओवरऑल आपका जो डिटेल था इस पोस्ट के रिगार्डिंग, मैंने सब कुछ बता दिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अप्लाई का तिथि क्या रहेगा। फ्रेंड्स, आपका जो अप्लाई का तिथि रहेगा 7 मई से लेके आपका 6 जून 2024 रहेगा, तो बहुत जल्द हम सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताते चलूं कि एग्जाम का डेट क्या रहेगा, आपका एग्जाम जुलाई से अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तैयारी की स्पीड को करिए बूस्ट, बाकी सब चीज अच्छे से फोकस करिए ताकि एक सीट आप अपनी इस बार अचीव कर पाए। आई होप कि आपको जो कुछ भी डिटेल बता दिया आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब भी इस पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है मन में, कमेंट करिएगा, वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।